और यहाँ पर मैंने दोनों साथ में प्रेस करके रखा है और हम लोग यहाँ पर रुक गए। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये क्लच एंड ये ब्रेक, इन दोनों का कॉम्बिनेशन किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से इन दोनों को कंट्रोल करना चाहिए। एज अ बिगिनर ऑलवेज बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मैं पहले क्लच दबाऊँ या पहले ब्रेक दबाऊँ, या फिर मैं दोनों साथ में दबा के रखूँ, या फिर मैं पहले ब्रेक दबाऊँ और फिर बाद में क्लच दबाऊँ। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मुझे पूछते हैं एंड एज अ बिगिनर इन दोनों का तालमेल आप लोगों को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आई होप सो आप ये सीरीज़ को फॉलो करते आ रहे हो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे रहेंगे तो इस वीडियो से आप तालमेल कर पाओगे। तो क्लच एंड ब्रेक, इन दोनों का एक अलग इंपॉर्टेंस होता है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सो फॉर एग्जांपल क्लच आप कब प्रेस करते हो, जब आपको पहले तो गियर शिफ्ट करना रहता है, फिर दूसरा आपको आगे बढ़ना रहता है, तभी भी आप हाफ क्लच यूज़ करते हो। फुल क्लच हाफ क्लच मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये है फुल क्लच और ये है हाफ क्लच और ये है नो क्लच। तो आप जब भी एक्सेलरेशन देते हो तभी आपको क्लच देने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, और जब भी आप आगे बढ़ रहे हो तभी आपको ये क्लच यूज़ करना पड़ेगा हर टाइम पे गियर शिफ्ट करने के लिए। लेकिन तभी क्या करना है, जब भी मुझे रुकना है, ऑफकोर्स रुकना है, उस टाइम पे मुझे ब्रेक प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि बिना ब्रेक प्रेस किए तो आप रुक नहीं सकते। मैंने अपने पास्ट वीडियोस में बताया था कि ब्रेक्स किस तरीके से इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो अगर मुझे रुकना है तो मुझे ब्रेक प्रेस करना पड़ेगा, राइट? और ब्रेक प्रेस करने के टाइम पे मुझे क्लच का क्या करना है, क्या मुझे क्लच प्रेस करना है या फिर क्लच नहीं प्रेस करना है, तो इन दोनों के बारे में मैं एक चीज़ बताऊँगा और डेमोन्स्ट्रेशन के पर्पज़ पर मैं एक आपको वीडियो भी करके बताऊँगा जहाँ पर मैं फुल क्लच प्रेस करके रखूँगा और फिर ब्रेकिंग करूँगा और फिर मैं विदाउट ब्रेक प्रेस किए भी एक विदाउट क्लच प्रेस किए भी मैं ब्रेक प्रेस करके आपको बताऊँगा। सो दोनों में क्या चीज़ रहता है हम लोग देखेंगे। पहले तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन देता हूं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि क्लच एक आपका सेवियर है, अगर आप बाइक चला रहे हो, बाइक आपका स्लो स्पीड पे है, बाइक जर्क कर रहा है, तो आपने यहां पे फुल क्लच प्रेस कर दिया तो आपका बाइक 99% ऑफ द टाइम बंद नहीं होगा। कुछ रीजंस में उसको एक्सेलरेशन का यानी पावर का भी जरूरत होता है, बट ठीक है, वो अगर आपने क्लच प्रेस कर दिया तो भी आपका बाइक बंद नहीं होगा। अगर आपका बाइक क्लच प्रेस करने के बाद बंद हो रहा है तो प्लीज आप अपना इंजन को चेक करवा लो, आपके क्लच केबल को चेक करवा लो या फिर आपके क्लच प्लेट को चेक करवा लो। ओके, तो अभी यहां पर हम लोग बात कर रहे थे ब्रेकिंग का। सो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ऑलवेज बताया कि अगर आप हाई स्पीड पे जा रहे हो तो मैं आपको पहले बोलता हूँ कि ब्रेक प्रेस करो और फिर क्लच प्रेस करो। क्यों? क्योंकि इससे आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। और ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है वो मैं आपको बता दूँ। फॉर एग्जाम्पल कि मैं ये जो लाइन है इस लाइन पर मैं ब्रेकिंग प्रेस करता हूँ और मेरा बाइक जाके वो चौथे पाँचवें लाइन पे अगर बंद हो गया तो यहाँ से लेके वहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब जब आप इमरजेंसी सिनेरियो में बाइक चलाते रहते हो, फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ 50, 60, 70, 80, 90 स्पीड के आसपास और अचानक से बीच में कुछ आ जाता है, वो टाइम पर मुझे अपना ब्रेकिंग डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हद तक रिड्यूस करना होता है। अब अगर मैंने पहले क्लच प्रेस कर दिया, सोचो कि ये एक सीन है, मैं एक सीन क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ बहुत स्पीड में और मैंने पहले क्लच प्रेस किया, तो पहले मैंने क्लच प्रेस किया, मेरा स्पीड एकदम से ड्रॉप होना चालू नहीं हुआ, पहले मैंने क्लच प्रेस किया फिर मैंने यहाँ पे ब्रेक प्रेस किया, अगर ये डिफरेंस सिर्फ ओनली 1 मिलीसेकंड का भी है तो ये मिलीसेकंड का डिफरेंस आपके कितने ज़्यादा एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ा देगा। ये चीज़ सोचो कि मैंने यहाँ पर पहले फुल क्लच प्रेस किया फिर मैंने यहाँ पे ब्रेक प्रेस किया और मेरा बाइक का जो डिफरेंस है वो 1 मिलीसेकंड या 1 सेकंड के वजह से भी अगर बढ़ गया तो मैं यहाँ पे रुकने की जगह पे वहाँ पे रुकूंगा और अगर वहाँ पे कोई होगा तो मैं उसको ठोक दूंगा। सो जब भी आप ऐसे सिचुएशन में होते हो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, इसीलिए मैं आपको ऑलवेज बोलता हूँ कि जब भी आप अगर हाई स्पीड में जा रहे हो तो हाई स्पीड में ऑलवेज आप पहले ब्रेक प्रेस किया करो फिर आप अपना क्लच प्रेस किया करो, क्योंकि एक छोटा सा डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो जैसे अगर आप 20 के नीचे हो तो वहाँ पे आपको क्लच प्रेस करना और ब्रेक प्रेस करना इंपॉर्टेंट है, साथ में करो या अलग अलग करो, बट वो टाइम पे आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप लाइक ऐसे सीनारियों में हो जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा स्पीड में जा रहे हो तो सोचो कि मैंने यहाँ पे मेरा स्पीड 90 का है, मैंने पहले यहाँ से रियर ब्रेक प्रेस किया, मैं ऑलवेज बोलता हूँ पहले थोड़ा सा रियर ब्रेक प्रेस करो, तो मैं यहाँ पे रियर ब्रेक प्रेस करता हूँ, जैसे ही मैंने रियर ब्रेक प्रेस किया वैसे ही मेरा स्पीड 90 था तो 80 तक तो पहुँच जाएगा, फिर उसके बाद मैंने क्लच प्रेस
प्रेस किया और फिर उसके बाद मैं ब्रेक प्रेस करता हूँ। एक्चुअली पहले फ्रंट ब्रेक यूज़ करना चाहिए वो स्पीड में, बट अगर आप ये थोड़ा सा एक सोचो, एक समझो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने पहले यहाँ पर रियर ब्रेक प्रेस किया, फिर मैंने क्लच प्रेस किया, फिर मैंने ब्रेक प्रेस किया, तो मेरा स्पीड कितना हद तक रिड्यूस होना चालू हो जाएगा। और फिर 10 किलोमीटर की स्पीड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है जब आप यहाँ पर रुकोगे या यहाँ पर रुकोगे, क्योंकि यहाँ पर कोई हुआ तो आप उसको ठोक सकते हो। सो ऑलवेज मैं आपको बोलता हूँ कि जब आप 90-100 के स्पीड पर हो तो पहले आप रियर ब्रेक यूज़ करो, फिर आप फ्रंट ब्रेक यूज़ करो, और फिर आप यहाँ से स्लाइटली ये क्लच देना स्टार्ट करो। तो क्लच आप बाद में भी दे सकते हो जब आपका स्पीड कम हो जाएगा तब, क्योंकि वहाँ एक उस हद तक आपको इंजन ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी बाइक का स्पीड रुकाने के लिए। आपने मेरे जो पास्ट वाले वीडियोस थे उसमें आपने ऑलवेज देखा होगा कि मैं बिना क्लच प्रेस किए और क्लच प्रेस किए जब मैं बाइक रुका था तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना है। मैं अगेन आपको एक बार और फिर से करके बताता हूँ ये चीज़, बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हर एक चीज़ में मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आपका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर तो आपको क्या करना है, वो टाइम पर आपको ये रियर ब्रेक और क्लच प्रेस करने हैं, और फिर जैसे जैसे स्लो होते जाएगा वैसे वैसे आप ऑफकोर्स आपको बैलेंस के लिए अपने दोनों लेग नीचे रखने पड़ेंगे। तो दोनों पैर मैं नीचे रखता हूँ और मैं फ्रंट ब्रेक बाद में प्रेस करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये एक हो गया। अच्छा, तो मैं अभी आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि 20 की स्पीड में क्या करना है, पहले रियर ब्रेक या फिर पहले क्लच, दोनों में से जो भी है, और धीरे धीरे आपका स्पीड स्लो होने लगता है और वैसे सीनारियों में आप यहाँ पर फ्रंट ब्रेक प्रेस करके अपना लेग नीचे रख सकते हो बैलेंसिंग करने के लिए। ये हो गया 20 के स्पीड पर। अब 30-40 के स्पीड पर आप क्या करोगे, 30-40 के स्पीड पर आप पहले रियर ब्रेक यूज़ करोगे और फिर आप उसके बाद फ्रंट ब्रेक और क्लच दोनों साथ में प्रेस कर सकते हो। और इसके बाद जब आपका स्पीड जाएगा लाइक 60 या फिर 80 या 60 प्लस अबो, तो उस सिनेरियो में क्या करना चाहिए, उस सिनेरियो में पहले रियर ब्रेक, फिर फ्रंट ब्रेक और फिर क्लच। तो ये तीनों अलग अलग डिफरेंस चीज़ें हैं, तीनों अलग अलग तरीके से आपको करना है। आई होप सो आपको सब चीज़ सही तरीके से समझ में आ गया। 20 के स्पीड में आप पहले क्लच प्रेस करो, ब्रेक करो तो भी चलेगा, 20 के स्पीड में आप पहले रियर ब्रेक और क्लच प्रेस करो तो भी चलेगा, डिपेंड टोटली ऑन यू, दोनों साथ में करोगे तो भी चलेगा। 20 प्लस स्पीड होगा 40 के आसपास तक, 60 के अंडर, 20-60 के अंडर, तो उस सिनेरियो में आपको पहले यहाँ पे क्लच प्रेस करना है, फिर सॉरी पहले आपको यहाँ पे रियर ब्रेक यूज़ करना है, फिर क्लच प्रेस करना है और फिर ब्रेक प्रेस करना है ये सीन में, और डाउन शिफ्ट आप साथ में करते रहो क्योंकि आपने फुल क्लच प्रेस करके रखा है। ओके, अभी इसके बाद जो नेक्स्ट सीन है वो ये है कि आप जब भी थोड़े से हाई स्पीड हो यानी कि 60 प्लस, तो 60 प्लस में पहले रियर ब्रेक, फिर फ्रंट ब्रेक एंड फिर धीरे धीरे यहाँ से बाद में क्लच प्रेस करना जब भी आपका स्पीड थोड़ा सा स्लो हो जाए तब। अभी मैं आपको दोनों के बीच का एक डिफरेंस करके बता देता हूँ। तो एक बार हम लोग यहाँ पे राउंड मार लेते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग आ गए हैं अपने डेमोन्स्ट्रेशन वाली जगह पे। मैं आपको बताऊंगा पहले कि क्लच प्रेस करके अगर आप बाइक रोको तो कितना टाइम लगेगा। अरे बाप रे, ये क्या है यार। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके चलो, तो हम लोग क्या करने वाले हैं ये मैं बता देता हूँ। वो खंबा था वहाँ पे जाने के बाद हम लोग ब्रेक प्रेस करेंगे और मैं क्लच और ब्रेक दोनों साथ में प्रेस करके रखूँगा 40 की स्पीड से। तो स्पीड है अपना 40 के आसपास का और यहाँ पर मैंने दोनों साथ में प्रेस करके रखा है और हम लोग यहाँ पर रुक गए। तो अभी मैं यहाँ पर बाइक का इंजन बंद करता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कितना आगे आके रुका हूँ। तो वो खंबा था वहाँ से मैंने ब्रेक प्रेस किया और ये मेरा पोजीशन है। इसके लिए कोई पत्थर, ओके मिल गया। तो लाइक ये है मेरा पत्थर, आप देख सकते हो। मेरा गाड़ी इधर आने के बाद रुका, मैंने वहाँ से प्रेस किया क्लच एंड ब्रेक। मैंने फ्रंट ब्रेक ओनली यूज़ किया था, रियर ब्रेक यूज़ नहीं किया था। अभी मैं आपको दिखाऊंगा फिर से, बट फिर से मैं सेम चीज़ करूंगा लेकिन मैं फ्रंट ब्रेक यूज़ करूंगा और फिर बाद में मैं क्लच प्रेस करूंगा। तो चलिए चलते हैं। फोर्टी की स्पीड पे आ गए, पहले रियर ब्रेक, पहले फ्रंट ब्रेक, फिर उसके बाद देखा मैंने रियर ब्रेक नहीं प्रेस किया, एक्चुअली मुंह से निकल गया रियर ब्रेक, बट मैंने पहले फ्रंट ब्रेक प्रेस किया और फिर मैंने क्लच दिया जब मेरा स्पीड कम हो गया। तो सोचो कि सेम चीज़ है, ये रहा खंबा
और यहाँ पे मैं कितना डिफरेंस है ये चीज़ देखो यहाँ पे जस्ट एक मिली सेकेंड की वजह से। सो एक दो तीन चार पाँच छः सात और ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो साढ़े सात, तो मैं साढ़े सात स्टेप्स आगे रुक गया। आप सोच सकते हो कि अगर आपने पहले ज़्यादा अगर आपका हाई स्पीड रहेगा और वहाँ पे अगर आपने इस तरीके से यूज़ किया लाइक पहले ब्रेक और फिर क्लच, तो आप कितना डिफरेंशिएट कर सकते हो। पत्थर में साइड में हटा देता हूँ तो कोई भी व्हीकल को प्रॉब्लम नहीं होगा। बट आप एक तरीके से ये चीज़ सोच सकते हो कि पहले क्लच एंड पहले ब्रेक ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऑलवेज़ मैं आपको जब भी बोलूँगा, जब भी आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन करने जा रहे हो इस तरीके से करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक इट, नए हो तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ बी सेफ एंड बाय बाय।